आलिया भट्ट ने बताया कि उनके लिए क्यों हो गया था हिंदी बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल, क्या क्या परेशानियों ने झेलनी पड़ी हिंदी बोलने के कारण अपनी हॉलीवुड के डेब्यू करते वक्त कर दिया है, इसके बारे में उन्होंने जिक्र भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ प्रिया। आने वाले वक्त में आलिया भट्ट की एक मूवी आने वाली है जिससे वो हॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है। ना ही केवल इतना, उनकी कुछ टाइम पहले एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसको लेके भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं आलिया भट्ट। आपको बता दें, इस कहानी में जो उनका किरदार होता है वो कहीं ना कहीं एक जर्नलिस्ट से लिंक होता हुआ दिखाई देता है। वो किरदार जो कि सवाल से सवाल पूछता है, उस किरदार को आलिया भट्ट ने फिर से अपनाया है और पर्दे पे कुछ और कुछ अलग करके दिखाया है। इसी बीच में उनकी आने वाली फिल्म द हार्ट ऑफ स्टोन को लेके भी सुर्खियों में चल रही है ये अभिनेत्री। आपको बता दें, ये मूवी भी जल्दी रिलीज होने वाली है नेटफ्लिक्स पे और इसी बीच में वो नेगेटिव रोल भी करती हुई दिखाई दे रहे हैं इस फिल्म में। आपको बता दें, इसी बीच में आलिया भट्ट ने एक और जिक्र करा है अपने रोल के बारे में। पहले उन्होंने बताया था वो हॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं। इसके बीच में मूवी को लेके भी कई सारी बातें सामने आई थी, जैसे कि वो सही तरीके से नहीं बैठी थी मूवी के मतलब एक इंटरव्यू के दौरान अपनी स्टार कास्ट के साथ, तो इसी को लेके भी कई सारी विवादों में फंसी थी आलिया भट्ट। और हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान टोरेंडो के साथ एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि क्यों उनके लिए हिंदी बोलना हो गया था मुश्किल, किस तरीके से हिंदी के कारण उन्हें हो रही थी परेशानी अपना हॉलीवुड में डेब्यू करते वक्त। आपको बता दें, आलिया भट्ट ने बताया कि वो हिंदी में बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट है और उनकी हिंदी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, चाहे वो गंगूबाई वाला किरदार निभाना हो या फिर उनका गाजी वाला। उन्होंने हर बार जो भी किरदार निभाया है उसमें इमोशंस होते थे और वो इमोशंस उनके डायलॉग डिलीवरी से आते थे जो कि हिंदी में हुआ करते थे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने गंगूबाई की थी तब भी मैं हिंदी में बोला करती थी, मेरे सारे डायलॉग हिंदी में होते थे तो मुझे पढ़ के बोलने में आसानी पड़ती थी अपने डायलॉग से। मगर अब जब स्टार्टिंग के जब रिकॉर्डिंग हो रही थी, जब सीन शूट हो रहा था, तो पहले कुछ दिनों मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई क्योंकि मुझे जो है सारी चीज़ें हिंदी में समझ में आती थी। और ऐसा नहीं कि मैं हमेशा इंग्लिश नहीं बोलती, मैं इंग्लिश ही बोला करती हूँ अधिकतर, मगर फिर भी वो हिंदी वाला टच जो है अपने साथ रह ही जाता है। मगर बात के टाइम में जो है बीतते वक्त के साथ मेरे साथ वो इंग्लिश वाला फ्लो वो भी सेट हो गया और जैसा कि हमेशा मैं हिंदी बोला करती हूँ फ्लो में, ऐसे ही मैं इंग्लिश बोलती हुई नजर आऊंगी आपको इस फिल्म में भी। ना ही केवल इतना, उन्होंने ये भी कहा है कि इस मूवी को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इस मूवी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाई देने वाले हैं, हर बार एक नया मोड़ आएगा, मगर एंड में जो स्टोरी होगी वो शायद आपको काफ़ी ज़्यादा खुश भी कर सकती है। आपको हार्ट ऑफ स्टोन का ट्रीजर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और आप क्या मूवी के लिए आलिया भट्ट के जो हॉलीवुड डेब्यू होने वाले हैं उसके लिए खुश हैं, एक्साइटेड हैं मेरी तरह, या फिर आपका कुछ और ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अपने ओपिनियन को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।